एक आवश्यकता है कि हम हमारा किसी भी जन्मदिन को केक कट करने का विधान हमें बनाया है। मैं उसी विधान को रखते हुए आज अभी आपके सामने महर्षि व्यास जी का जन्मदिन और सारे गुरुमंडल का जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। उनके इस उपलक्ष्य में अभी केक कट कर दिया जाएगा और महर्षि व्यास जी के जन्मदिन पर सारे गुरुओं को भी उनकी जन्मदिन की शुभकामना प्रदान करता हुआ, उनकी शुभकामनाओं की आकांक्षा करता हुआ। चाहे उसका मुझे अधिकार है या नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर हो, हम आनंदमय उनकी गुरु पूर्णिमा मनाएं, उनका गुरु जन्म दिवस मनाएं और उसको कलयुग की परंपरा में ठीक कट करके आरम्भ करते हैं। हम गुरु का ध्यान करते हैं। श्रीनाथ आदि गुरु त्रय गणपति पीठ त्रय भैरव सिद्ध उपटुक त्रय बलिजुम धुरी कमलांगलम वीराण चतुष्टम वीरावली पंचकम श्रीमन्मान ग्रंथराश्रयितम वंदे गुरुमंडल। गुरुमंडल को प्रणाम करता हूँ और मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव, हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी स्वामी विश्वेश्वरानंद जी और डॉक्टर नारायण श्रीमान सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ उनका भी ध्यान करता हूँ। विदर कौरव जय बद्र सभी सौंदर विश्वेन्द्रम साधना विभाषम श्रुति सिद्धिवंतम बोधमात्म नमोतम समिति मिश्रकम श्री गुरु भाव्यामि हृदयम बजे कृणि मध्य संस्कृत सिंहासन संस्कृत जीवमूर्ति ध्याये गुरुजन शिला प्रकाशम चित्रशिला विश्वरम दवान श्री गुरुजनकम वेद्यवान ध्यायामि ध्यान स्वर सद्गुरुदेव जी की चरणों प्रणाम करता हुआ आप सभी के तालियों के गड़गड़ाहट में इस गुरु पूर्णिमा का ऐसे प्रणाम करना चाहता हूँ। Thank you.
आपके पास कभी भी बना रहे, यही आशा करता हूँ। प्रभु जी सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये जो साधक आपके सामने बैठे हैं,
भारत के लिए एक एक सूर्य बने, भारत के लिए एक एक प्रकाश का किरण बने। आने वाली पीढ़ी साधन साधना में हो, आने वाली पीढ़ी के लिए उन साधक और ऋषि परंपरा को जगाए रखने वाली यह पीढ़ी यह गुरुचरण पहने हुए एक दिन भारत के लिए एक श्रेष्ठ सूर्य बनकर प्रकाश दिए, सारे संसार को प्रकाश दे। कहा जाता है कि भगवान सूर्य दिन में प्रकाश देते हैं और चंद्र रात में प्रकाश देता है और दीपक अंधेरे में प्रकाश देता है, लेकिन गुरु ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आपके साथ आपके आपके मन में वृद्धि का किया जाए हर दम आपको प्रकाश देते रहता है। उनमें सीमाएं हैं, गुरु में सीमाएं नहीं, केवल आप उनके प्रति समर्पित हो जाने की क्रिया हो, आप उनके प्रति समर्पित हो, आप उनके साथ रहो तो आपके आपको बुद्धि प्रदान करते हुए कोई ऐसा प्रकाश देते ऐसा अलग जगाते हैं जिससे आप निरंतर प्रकाश अनुभव करते हो, अंधेरे में भी आप एक ज्ञान को एक चेतना को अनुभव करते हो। ऐसे श्रेष्ठ ब्रह्म पुण्य सदगुरुदेव या गुरुमंडल को मैं बार बार आज गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास महर्षि के साथ प्रणाम करता हूँ और उन्हें आशीर्वाद मांगता हूँ कि हमें यह ज्ञान और बुद्धि हमें दे और हमें प्रकाशमय और चेतना युक्त बनाए। आज आप सभी को इस गुरु पूर्णिमा के निमित्त मैंने जैसा कल कहा था आपको, मैंने जो तीन साधनाएं दी आने वाला कल आपके लिए श्रेष्ठ हो और आने वाले तीन साल के बाद हम जब इसी गुरु पूर्णिमा के दिन मिलेंगे तो जरूर ऐसी कोई चेतना लेकर मिलेंगे कि सारा भारत हमें देख ले। आज लोग मुझे कह रहे थे, आज मेरे सभी लोग बता रहे थे कि गुरु जी आश्रम बस नहीं हो रहा है, आश्रम में लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, इतना इतना रश हो गया, इतना लोग भर गए हैं, अब आगे क्या होगा। मैं और अभी नया मानता हूँ और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन 3 वर्ष के बाद तो इसकी हालत ये हो जाएगी, 3 वर्ष के बाद इसकी हालत ये हो जाएगी कि पुणे बाड़े तक बांधना होगा। और गुरु जी जहाँ भी देखे हम अगर एक छोटा सा चमत्कार भी अगर लोगों में ये प्रचार हो जाए कि निखिल चेतना केंद्र में शून्य में आसन डालकर यहाँ के साधक बैठते हैं तो सारा संसार हमारी तरफ देखेगा, आकाश में उड़ने वाले साधक यहाँ हैं, लोगों को लगे कि यहाँ काली को प्रत्यक्ष देखा जाता है तो लोग यहाँ आने के लिए तरसेंगे, तब जरूर लाइन लगेगी वहाँ तक, तब मेरे को बांधने की जरूरत नहीं, लोग पेड़ के नीचे भी खड़े रहकर देखने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं चाहता हूँ ऐसा दिन आए, मेरे गुरु का नाम सारे संसार पर फैले, मेरे गुरु को सारा संसार देखे कि उनकी जो चेतना थी जिन्होंने 17 साल तक हिमालय को रोंद कर अपने पाँव को छाले लगाते हुए अपनी पत्नी और अपने यौवन को सब हमारे लिए गुजार करते हुए उन्होंने जो कार्य किया उस कार्य का फल उस कार्य का प्रकाश उस कार्य की अग्नि ज्योति आत्म ज्योति सभी को प्राप्त हो और हम सब शिष्य उसके लिए कार्यरत हो और ये आने वाले 3 साल उनके लिए समर्पित है और समर्पित रहेंगे। आप सभी लोगों को यही कहता हूँ कि मेरी साधना में आप अड़चन निर्माण करना, मैं बता दूंगा 3 साल के दिन आपको गुरु जी की साधना सत्य है सारा संसार देखेगा। आप सभी को मैंने जैसा कल वादा किया था कि जिन्होंने भी दशमा विद्याएं अगले 3 साल में 3 नवरात्रियों में दशमा विद्याओं की 3 साधनाएं करेंगे और उन्होंने अपना नाम लिखकर मुझे दे दिया था, मैं वो सारे नाम क्योंकि बहुत सारे नाम आए हुए हैं स्टार में दे दिया हूँ और जो वस्तु दशमहाविद्याओं के लिए चाहिए वो वस्तु आपको दशमहाविद्या के अनुसार वहाँ मिल जाएगी। उस वस्तु को आप रख लेकर दशमहाविद्या की कोई भी साधना अपने जीवन में संपूर्ण करो, आपके जीवन में साधना करते समय किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी, आप साधना ही करो केवल साधना, किसी प्रकार की अड़चन आपको निर्माण नहीं होगी, न कोई संघटना या कोई घटना आपके जीवन में ऐसी घटना होगी जिसको साधना रोक सके या रोकने का कोई समय आए। ऐसी ही चीज़ मैं दिया हूँ क्योंकि अभी फिर बुलाऊँ तो मुझे 3 घंटे और लग जाएंगे कि आपको बुलाऊँ और एक एक को एक एक वस्तु देते रहूँ, तो इसलिए मैंने स्टॉल पर रखा हुआ है, आप जाते समय स्टॉल से आप जिन महाविद्याओं का नाम लिया है उन महाविद्याओं के अनुसार उस वस्तु को आप लेकर जाना आपके राशि और नक्षत्र के अनुसार, एक पहली बात हो गई। अब दूसरी बात है मैं उन सभी से कल भी कहता हूँ, कल भी मैं कहता रहा और आज भी कह रहा हूँ, जो भूम जैसे साधक 450 किलोमीटर 500 किलोमीटर से चलते पालकी लेके आते हैं उनके प्रति हमारा धन्यवाद हो। पहली पालकी भूम के साधक यहाँ स्टेज पर आए, पहले भूम के साधक की पालकी के लोग यहाँ स्टेज पर आ जाए,